آہِ اشرف علوم چشمہ علم و ہدا آہِ اشرف علوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا صدق الله آج 12 ربيع الاول तो कई दिन से सुना रहा हूँ अलमा शाह मोहम्मद अहमद साहब किताब है कमालात नबूवत, बहुत एहतमाम से इसको लिखवाया, बहुत खुश थे। तो यही मज़मून कई दिन से सुना रहा हूँ इसी से, अल्लाह ताला इसके हक अदायगी की मुझे तौफीक दे। मज़मून ज़ाहिर बहुत अहम है, बहुत नाफे है, मुफीद है और इंशाअल्लाह मुझे भी अजर सवाब है। एक बात अभी याद आई, शाह मोहम्मद अहमद साहब फरमाते थे कि लोग कहते हैं कि हम लोग मिलाद नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ। तर हुई बारान से सूखी रही, तर हुई बारान से सूखी जमी, यानी आए रहमतुल आलमीन। इमाम शाह फजल रहमान साहब ने पढ़ाई, हजरत फरमाते थे कि उन्होंने कहा देखो मिलाद पढ़ दिया कि नहीं, ये भी है। तर हुई बारान से सूखी जमी, यानी आए रहमतुल आलमीन। अल्लाह ताला ने हजरत माँ मोहम्मद अहमद साहब से जो अशआर कहलाए हैं बहुत ही अजीब है, पढ़ना चाहिए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बहुत अच्छे अशआर हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जिस दिन पर भी वो अशआर पढ़ते थे, अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से हिस्सा अता फरमाए, सीरत पाक को अपनाने की भी तौफीक पर अमल फरमाए और सुनाने की भी तौफीक फरमाए और लोगों तक आम करने की भी तौफीक अमल फरमाए। ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बातें हैं। अब वही है, कल सुना चुका है इसको, लेकिन मुझे बहुत मजा आया इसमें। रहमतुल आलमीन वो है जो उखुवत और मोहब्बत का नाम नेमत इलाही रखता है। नेमत इतनी बारीक बात है ये, फअसबहतुम बिनेमतिहि इख्वाना, तुम लोग अल्लाह की नेमत से भाई भाई हो गए। मालूम हुआ कि भाई भाई होना ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह बतौर इम्तहान का फरमा रहा है। हम लोग भाई भाई में भी इख्तलाक, वहां तो ये है कि सब मिलके लाखों भाई भाई, लाखों साहबा हो गए थे लाखों, ये सब भाई भाई, सब भाई भाई। गजबे में साहबा जख्मी थे, सब प्यासे थे, सब प्यासे जाने साहबा थे, प्यासे थे, पानी मांगा। एक साहबी ले गए पानी पिलाने के लिए, दूसरे कहा मैं भी प्यासा हूँ, कहा मेरा भाई ज्यादा मोहताज है, उसको ज्यादा प्यासा। दसियों आदमी थे या और ज्यादा मैं नहीं कह सकता, तादाद उसमें नहीं है। घूम घा करके उन्होंने कहा कि मैं भी प्यासा हूँ, और सब जा बल्लब जाकर ने की हालत में कैसी प्यास लगती है, जाकंदनी की हालत में पानी न देना ये भी एक जालिमों का एक सेवा है। समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं भी प्यासा हूँ, मैं भी। तो उसने कहा तो पहला लगा भाई इनको पिलाओ दादा, इन्होंने कहा कि मैं भी प्यासा था, अभी इन्होंने कह दिया घूम घा कर फिर पहले आएगा दादा, किसी ने पानी नहीं पिया, सब जब बैल लौट करके इधर से सब की वफात हो चुकी थी, सब भाग गए। तुम ये बाद अल्लाह है खाना,
ला तबारू वला तदाबरू, आपस में एक दूसरे से पीस में फेरो। वो कौन है बादल लाही खाना, भाई 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 हो जाओ। क्या ये तालीम मुर्दा थोड़ी नहीं हुई, अब भी है? क्या सहाबे की नसीहत थी? सबके लिए। मैंने बहुत सहाबी कहते हैं अल्लाह या रसूलल्लाह हमको नसीहत कीजिए, फरमा रहे नसीहत। मैंने कहा खाली उन्हीं के लिए नसीहत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नसीहत है। इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत, ये हर जगह मैंने बयान किया है मुमारिक में। इत्तकिल्लाह हैसु मा, आपने भी सुना होगा, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत व अदब सैयत हसन तम हो व खालिक नाज खुक हसन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। अरे वो अबू का सिद्दीक उमर को नहीं थी, आपको भी है। जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, इतनी जामे पहले ही। वह अदब सैयत हसना तम, कोई सैया हो जाए बुरा काम हो जाए उसके बाद नेकी काम कर लिया करो। वह खालिक नाज खुक हसन, लोगों से अच्छा मामला करो। नसीहत कर दी जामे है, कोई कर सकता है? जरा नबी कोई वसीयत ही नहीं कर सकता है। अब ये सब क्या करें जो इस वक्त जब नबी के अलावा नहीं कर सकता, कोई भी उसके बराबर हो नहीं सकता। उनकी नसीहत भी यही चाहिए, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत। मैं कहता हूँ हदीस में इन्ना आतना और कौसर जैसा है, ये कुरान में पाक में इन्ना आतना का कौसर सूरा है, यह हदीस में ये नसीहत मैंने, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत, हमने सुना होगा कहीं कर। इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत व अतबि सैयत हसना तम हुआ व खालिक नाज खुल्क हसन, खुल्क हसन से लोगों से अच्छा मामला करो। डरोगे अल्लाह से, अल्लाह का हक अदा करोगे, और हुस्न खुल्क बरतोगे तो मखलूक का हक अदा होगा। इसे मैं आप हदीस में आया है, सोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युखिल जन्नत وقال تقوى الله وحسن الخلق، ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے، فرمایا اتق اللہ، تقوى الله وحسن الخلق۔ اللہ میں نے کبھی کہا کہ تقوى الله سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے حقوق العباد، یہی دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، تقوى الله وحسن الخلق۔ دائر کر لیا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ اللہ میں ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے مخلوق کے، اور جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہی صالح ہے اور صالحین جنت میں جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت یہ ہے، فأصبحتم بنعمتی اخوانا، سو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ انعام اللہ کے انعام سے بھائی بھائی ہوئے ہو، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کہ کسی ادارے میں اتحاد ہو، گھروں میں اتحاد ہو، قبیلوں میں اتحاد ہو، یہ اللہ کی نعمت ہی ہو سکتا ہے۔ تو کیا حدیث آئی ہے، بچاؤ تم اپنے کو ذات البین، اب آپسی جھگڑوں سے اپنے کو بچاؤ۔ وہی نل ہار کا موڈ دینے والی چیز ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑ دی ہے بلکہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ کہاں ہر جگہ اختلاف، صاحب الرحمان نے لکھا ہے کہ مصر کے بارے میں لکھا ہے کہ دو قلب بھی متحد نہیں ہیں۔ صاحب الرحمان نے لکھا ہے، ہمارے یہاں سے بہت سناتے تھے، کہا فرماتے تھے ان کا عجیب انداز تھا، کہا کہ مصر میں یہ حالت ہے، ہندوستان میں کیا اس کے خلاف ہے؟ یہاں بھی وہی ہے۔ صاحب الرحمان نے لکھا ہے کہ دو قلب بھی متحد نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں ماشاء اللہ سب مسلم تھے فوراً۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مصر کا یہ حال ہے؟ یہاں حال نہیں ہے، یہاں گبا نہیں ہے، دو دل بھی متحد نہیں ہیں۔ علامہ جودی نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ کسی پہ بھروسہ نہ کرو، علامہ ابن جودی نے، یہ ہم نے مولوی شکیل صاحب جو ہے اسے سنا تھا ہم نے مہوا میں، وہ بھی بچے تھے ہم تو چھوٹے،
दो दिल में कहा कि अपने बीवी बच्चों पर भरोसा न करो। देखिए एक बात ये की, मगर भरोसा अगर कर सकते हो तो अपने किसी दीन भाई पर कर सकते हो, और ये लोग भी नादिर हैं, किबरी थे हमारे। ये बहुत कितना चालीस पचास साल किबरी थे हमारे, किबरी थे हमारे, ये नादिर। मैंने उनसे पूछा है कि कहाँ से आपने नकल किया था, ये लिया है कहीं नकल खुदा में होगा, वहाँ शकील थे किबरी थे हमारे। कहा वीर बच्चों पे भरोसा जिसको कहते हो ना करो, भरोसा बस अल्लाह पर है। अगर दुनिया में किसी पर भरोसा किया जाता है तो वो लोग हैं जो दीन भाई हों, वो भी किबरी थे हमारे, वो भी नादिर हैं। ये भी लिखा है इब्न जवदी ने, असबह तुम गिरे में कही इख्वाना, सो अल्लाह ताला के नाम से आपस में भाई भाई हो गए। सिर्फ ये नहीं है कि तुम अल्लाह वाले हो गए, भाइयों वाले भी हो गए, तुम अल्लाह वाले भी हुए और भाई वाले भी हो गए, दोनों बराबर। असबह तुम गिरे में कही इख्वाना, असबह तुम गिरे में कही इख्वाना। देखिए नुकता भी बहुत अच्छा है। अब हमारे हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो हमको इस चीज बहुत पसंद आई थी। सो तुम अल्लाह के इनाम से आपस में भाई भाई हो गए, यही कि अल्लाह के इनाम से तुम जन्नती हो गए, तुम फलाओ, ये कुछ नहीं। आपस में तुम्हारे जो मोहब्बत पैदा हो गई वो कुवत, ये अल्लाह ताला का फजल करम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम। रहमतुल आलमीन वो है जो मामलात इंसान में अदावत और नफरत के तसरात से हमको अलहदा रखने का हुक्म देता है। मामलात इंसान में जो मामलात हैं उसमें अदावत और नफरत ना रहो, बैठो, अगर कोई मामला है बैठो, सलामती तबा से उसको पर गौर करो, ये परी झगड़ा कर लो होता है, नहीं बैठते, बैठेंगे नहीं मामलात को दुरुस्ती करने के लिए, बैठेंगे नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन वह है जो इंसाफ में अदावत और नफरत के तसरात सबको अलहदा रखने का हुक्म देता है। इंसाफ करने बैठे हो तो फिर अदावत और दिल में अगर कुदूरत है निकालो, तब इंसाफ के लिए बैठो। बला यजरमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदलू इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा तअमलून। आयत किसी खास लोग की अदावत तुमको इस पर बाइस न हो जाए कि तुम अदल न करो। आज अदल हो रहा है, बेअदली का दौर है। एक शेर है बहुत मशहूर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर इमाम मोहम्मद सब नहीं है, मौलाना उसको बदल करते थे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम। इमाम मोहम्मद सा का है तरमीम है, ठीक है ना, इस जमाने की बात यही है। वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम। बहुत उम्र तरमीम किया है इमाम मोहम्मद अहमद साहब, आलिम वगैरह बहुत खुश होते थे, ज्यादा नहीं हद के अंदर। बोला ये मन ने कुम शनान कौम अला अल्लाह ता दलु ए दलु, ये दलु है ना दरमिया में ना हो, ए दलु हो अखरब तकवा बद तकुल्ला इन अल्लाह खबीर में माता कुरान हदीस से सीरत को पेश किया है किताबुल्ला सुनो थे बड़े आदमी मौलाना की महबूब किताबों में से है, रहमतुल्लिल आलमीन ही से है गालबन ये। रहमतुल्लिल आलमीन वही है जो शहादत वाकया के लिए लोगों को इस तरह तैयार करता है, या अय्युह लदीना आमनु कूनु कवामीन लिल्लाह शुहदा बिलक़िस्त, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला के लिए पूरी पाबंदी करने वाले, इंसाफ के साथ शहादत अदा करने वाले बनो। कोई मामला तुम बड़ा है तो इंसाफ करो, अदल करो, दूसरों को छोड़िए, अपने लोगों में कितने आदर करने वाले, आदर करने वाले तकसीम जो होती है हमारे क्या क्या होता। हाँ रहमत आलमीन वही है जो हर इंसान को
उसकी बीवी को बताई ये तालीम देता है। इसी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारे जिन्स की बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास तुमको आराम मिले, ये भी अल्लाह की नेमत। और तुम मियां बीवी में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की, इन्हें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। मियां बीवी में एकताल्लुक बिल्कुल जी वो गरीब अल्लाह ही को पैदा किया हुआ है, कभी भी अच्छी है। लेकिन ये बीवी मोहब्बत हमदर्दी पैदा की उसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। रहमतुल्लिल आलमीन वही है जिन्हें शौहर बीवी के रिश्ते को इतना पाक ठहराया कि बहिर में जाते वक्त भी इस जोड़े को एक दूसरे से अलग न किया बल्कि यूं खबर दी उदखुल जन्नत अंतुम वाज़वाजुहुम तुहरून। माँ बाप को नहीं कहा, बीवी को कहा कि जन्नत में जाओगे तो ये तुम्हारे साथ होगी, तुम और तुम्हारी ईमानदार बीवियां खुश बखुश जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम अजवाजुम तुहबरून, हमने कहा तुहबरून, हमने तहकीक किया हम लोगों ने इसको तुहबरून मतलब कि मुआनसत के लिए, मालूम हुआ कि जन्नत भी मुआनसत बीवी से होगी। अजवाजुम मुआनसत कहीं नहीं मिला कहीं उर्दू में, इस पर मुआनसत मुआनसत में इजाफा जन्नत में भी बीवी से होगा। रहमतुल आलमीन वही है तो وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي برابر کا دیا ہے ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے لیے ہیں بیویوں کے لیے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہم نے آپ کا بیان کیا تھا نکاح پڑھائے ہوئے بعد انہوں نے کہا دو آیت آدمی کر لے سب معاشرہ خط ٹھیک ہو جائے الرجال قوامون علی النساء وہ عاشروہن بالمعروف آپ کی بہت بڑا مجمع تھا آپ کے اس میں دار العلوم میں تو بڑا مجمع شاید کس کا نکاح تھا یہ صفی اللہ کا تھا بس دو چیز سب آداب معاشرت اور ہے سب اجلاس ہوتا ہے پہلے دو آیت کو سمجھا دوں سب کچھ سب چٹھی الرجال قوامون علی النساء اور تو تسلیم کر لیں مردوں کی قوامیت کو اب وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ماتحت ہیں پر ہم کرنا چاہیے ہم بس ختم معاشرہ ٹھیک الرجال قوامون علی النساء نہیں قوامیت تسلیم کرنا ہوگا بیوی کو تب بنے گا اور خود ہی قوام بننا چاہے گی جب کیا نے وہ بتائے گی مشاہدہ ہو رہا ہے ہو رہا مشاہدہ رحمت للعالمین وہی ہے جو شوہر اور بیوی کے حقوق کی بابت یہ فیصلہ سناتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کیا ہوں گے خدا ہی کہہ سکتا ہے اتنے ہی میں سب کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورتوں پر اس سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس وقت سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے یہ ہے خرچ کیے ہیں دوسروں کا ایک حق ہے رحمت للعالمین وہ ہے جو خونخوار لڑائیوں کو بند کرتا ہے کتنے دنوں سے لڑائیاں چل رہی تھی بند کر دیا حکمرانی کے آرزو یا توسیع ملک کی توانا یا غلبے قوت کے اظہار جوش انتقام کے وفور کے وصول پر لڑائی کرنے کو قطعا ممنوع ٹھہرا دیتا ہے اس کے لیے نہ لڑو اس کے لیے لوگوں کے خون نہ بہاؤ وہ جنگ کو صرف مظلوم کی امداد کا آخری ذریعہ عاجزوں درمادوں عورتوں بچوں کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑانے کا وسیلہ مذہب مختلفہ اور ادیان متعددہ میں عدل و توازن قائم کرنے کا آخری ہیرا بتاتا ہے اگر چاہتے تھے یہ کرو شریعت مقدسہ یہودیوں سے بھی نباہ ہو جائے عیسائیوں سے بھی ہو جائے گا حقوق دنیا کا رحم دل سے رحم دل شخص بھی ان اصولوں کے لیے ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا
दुनिया का रहम दिल शख्स भी इन वसूलों के लिए लड़ाई की जरूरत से इनकार नहीं करे, इन वसूलों के लिए लड़ो ताकि ये चीज पैदा हो जाए। और मामूली समझ का इंसान भी इस लड़ाई को सरापा रहमत कहने का, रहमतुल्लिल आलमीन ये किया है उन्होंने इन हुकूक की अदायगी के लिए और इस मुआशरे को पैदा करने के लिए लड़ाई भी की है। बहुत मामूली समझ का इंसान भी इस लड़ाई को सरापा रहमत कहने में ज़रा तामुल नहीं कर सकता है, रहमत को आम करने के लिए लड़ाई। हाँ, रहमतुल्लिल आलमीन वो है जो इंसान को अखलाक फाजला, फ़ज़ाइल महमूदा और महासिन जमीला और सिफात कामिला की तालीम देता है। उर्दू देखिए, हाँ, रहमतुल्लिल आलमीन वो है जो इंसान को अखलाक फाजला, हम रहते बस इतना ही कहते रह जाते हैं, लेकिन बढ़ाया, जो इंसान को अखलाक फाजला, फ़ज़ाइल महमूदा और महासिन जमीला और सिफात कामिला की तालीम देता है। माँ बाप की बाबत सिखाता है वक्फ जनाह के लिल मोमिन, वक्फ लहुमा जनाह जुल मिन रहमा कुल रब रहमा का है ना, यही कमा रब यानी सगीरा, और उनके सामने शफकत से इनके सारी के साथ झुके रहना और यूं दुआ करते रहना कि अय मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमाइए जैसा उन्होंने मुझे बचपन में खिलाया पिलाया है। बड़ी बात, बहुत हदीसों में आता है कि माँ बाप के वकूक के आम हो जाएगा अखीर में। दोस्तों से जितनी मोहब्बत होगी अपने माँ बाप से नहीं होगी, उनके हकूक की अदायगी की फिक्र नहीं होगी, हो जाता आम बात। कोई सुनता भी नहीं होगा, हम तो डर गए, अभी किताब सुनने सुनाने लायक नहीं है, कौन सुनाता है। उनके सामने शफकत से इनके सारी के साथ झुके रहना और यूं दुआ करते रहना कि अय मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमाइए जैसा उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। बात ये कहते हैं ही माँ बाप करता है, ये भी है माँ बाप को मोहब्बत से करते हैं, ये सब हुकूक को कहाँ जाए, अल्लाह हुकूम है। अल्लाह इस हुकूम में फरमा बरदारी, इताअत, खुदगुजारी का भी हुक्म दिया और ये भी बताया कि माँ बाप के लिए दुआ करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह बच्चा माँ बाप की तरबियत का मोहताज है, इसी तरह हर इंसान अल्लाह के रहम का मोहताज है, माँ बाप भी मोहताज है। तुम्हारी एहतियात को वो पूरी कर रही है माँ या बाप, तो उनकी एहतियात को तुम अल्लाह से दुआ करके पूरे करो। اللهم اغفر لي ولوالدي ہے نا یہی ہے اللهم اغفر لي ولوالدي جميع المؤمنين والمؤمنات والدي کا ذکر۔ اور چاہیے کہ معاف کریں قصور والوں کی معافی کو تیری فرمایا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کہیں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے گا؟ جسے لڑکے کو وہاں ظفر احمد عثمانی وغیرہ مار رہے تھے، تو غالباً شکر حدیث ہے لکھا ہوا ہے، کہا میں کب تک صبر کروں تمہارے اوپر، یہ جیسی شاید کرتے رہے ہوئے پٹائی کرے کب تک صبر کروں؟ تو شکر حدیث نے غالباً کہا کہ جب تک وہاں کے صبر کی تم کو تاب ہو، وہاں کے نجات کے لیے یہاں تم اپنے نفس پر قابو پاؤ، جیسے یہ لڑکا محتاج ہے تمہارے کرم کا، تم وہاں محتاج ہو جاؤ گے اللہ کے کرم کا، وہ سوچ کر کے اس پر کام کرو۔ معافی دنیا، معافی دینا انسان کو ذرا مشکل اور شاک گزرتا ہے، اسے اسے سمجھایا گیا ہے کہ انسان معافی کا اللہ تعالیٰ سے خواستگار ہے، تو کیا وجہ ہے جو خود معافی دینے کو پسند نہیں کرتا؟ وہ یہ اصول بتا دیا کہ معاف کرو تو تم کو معاف کیا جائے گا،
अभी माफी ना चाहते रहते इनके साथ में। रहमतुल आलमीन वो है जिसे शराब और जुए की हुरमत का हुक्म तमाम आलम को सुनाया। शराब को रिस और अमल शैतान और बिनाए अदावत व सबब बुग्ज व सरमाए गफलत और जरिए दूरी अज खुदा बताया। कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद भी फरमाया गया है और शहीद भी। मुंजर दिल आयत पर गौर करो, या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरा। ऐ नबी, हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप गवाह हों और आप मोमिनीन के बशारत देने वाले हों। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरा, तहकीक हमने भेजा आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला। वो फी हाजा लियकून रसूल शहीद अलैकुम। इस कुरान में भी ताकि तुम्हारी काबिल शहादत मोतबर होने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हों। वो यकून रसूल अलैकुम शहीद है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बहुत दिखते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब अपना फजल करम फरमाए। और मैंने लोगों से कहा भाई दुआ करो कि सीरत पर बयान करने लायक मैं हो जाऊं और सीरत पर आ भी जाए दिलों में। उसके नकल क्या उसी क्या कर सकता है, लेकिन नकल तो कर ही सकता है, सोच तो सकते ही है। तकब्बुर से, अनानियत से। हजरत फातिमा या आयशा ने पूछा, यार सुल्ला क्या अच्छे कपड़े पहनने मामू का नहीं पहन सकती हो, लेकिन किसी को जलील न सकती, दिल्लत से बचाओ। अगर कपड़े अच्छे हों और दिल में किब्र है तो जाहिर तो अच्छा है, बातें खराब है। अगर कपड़े अच्छे पहने, अल्लाह का शुक्र अदा किया, किसी को जलील नहीं किया, ये भी उसमें है कि दूसरे को जलील न समझो, तो फिर ये कपड़ा तुम्हारे लिए जेब देता है। बोले तेज हालात है तुम्हारा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सीरत नबी पर अमल की तौफीक बरकत फरमाए। और अल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन ने सीरत पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और अशार भी बहुत हैं उनके मदह में, उनके मरकबत में बहुत बहुत अशार हैं लोगों के। अल्लाह जिन दिनों ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतल्लिक नसर में नजर में जो कुछ कहा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम लोग को भी उन अशार से, उन मदामीन से, मदामीन ही मुतासिर होने की तौफीक मरहमत फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत बिरहमत या अरहमर राहिमीन। व बिहुरमत सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह।